जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ है 17 अगस्त 2021, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के, उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उनके क्या देखते हैं, क्या उनके आंसर थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उसमें मिस्टेक्स एरर है वो भी देखते हैं क्या थे। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे सेट लिया है वो ये सेट डी सीरीज है, ठीक है, वो डी सीरीज मैंने यहाँ पे लिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टू कोरेंस सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, ये क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें दो कोरेंस सोर्सेस से जो जो वेव्स आ रही उनकी इंटेंसिटी रेशियो दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले I1 upon I2 = 2 कर देते हैं A1 by A2 का 4 square, ठीक है। इससे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा 100 by 1, और ये हम लोग को मिल जाएगा बाद में क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 by 1, यानी कि A1 by A2 बराबर क्या गया 10 by 1, है ना, A1 by A2 बराबर 10 by 1 आ गया। यहाँ पे A1 by A2 = 2 आ गया 10 by 1। अब यहाँ पे हमें निकाला I max / I min, तो ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 10 + 1 यानी 11, ये 10 - 1 = 9, इसका होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 121/81, ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज 16 टाइम द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन टाइम जो होता है वो होता है 24 आवर्स, मतलब ठीक है अर्थ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कैपलस का थर्ड लॉ लग जाएगा, ठीक है, T² = R³, और आंसर आ जाएगा 64, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सा जो इसमें फंक्शन दिया हो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो होता है वर्टन। वर्टन पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे एक कर्व है, ठीक है, अगर ये पाथ पे जाएंगे कुछ और वर्टन होगा, ये पाथ से जाएंगे कुछ और वर्टन होगा, और ये पाथ होगा तो कुछ और वर्टन होगा, ठीक है। अगर एक ऐसा साइकिल बनी है तो ये वाला पाथ चलेंगे कुछ और वर्टन, ये वाला पाथ चलेंगे तो कुछ और वर्टन। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूएक्स ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, तो इसमें तो ये काफी लोगों को पता होगा, इसमें सी ऑप्शन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, तो ये 4 pi C = फॉर्मूला था 4 pi ε₀, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6400 किलोमीटर, जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 711 माइक्रोफैरड, जिसमें जो ऑप्शन है वो 711 माइक्रोफैरड। अब जो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, तो इसका फॉर्मूला होता है C = 4 pi ε₀ r, r की वैल्यू रख देंगे 6400 किलोमीटर, तो उसमें हो जाएगा 711 माइक्रोफैरड। ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वो होता है म्यू साइन आई, इसमें रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप होता है μ/θ/λ, तो म्यू साइन थीटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 8 equal drops of water are falling, ठीक है, तो 8 equal drops of water falling हो रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था इसमें 20, ये इस तरह से सॉल्व किया था 8 × 4/3 πr³ = जो बड़ी बिग, जब ये आपस में मिलकर बड़ी बिग ड्रॉप बना देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 πr³, यहाँ से जब कंपेयर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r = 2 आ जाएगा, हाँ कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा ना। इसमें क्या पूछ रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा V is directly proportional to r², ठीक है, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो होता है वो होता है 2/9 ρ - σ² का जो फॉर्मूला होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो जब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 20 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज पोलारीमीटर। पोलारीमीटर से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है मेजर करते हैं, ये एक चार पर क्या कहते हैं वो होता है कि एनालाइजर का भी काम करता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ आर ऑफ टू वेक्टर, सर इसमें क्या है कि दो वेक्टर हैं कुछ इस तरह से जोड़ा गया, देखिए r = क्या है, r = है √p² + q² है ना। तो ये कब होता है, जब जब कुछ ऐसा सीन होता है ना, एक ये वेक्टर है a, एक वेक्टर ये है b, तो इनके बीच एंगल 90° बनना होता है, तब ऐसा होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, द सोर्स ऑफ सोलर जो सोलर एनर्जी होता है वो होता है ऑप्शन सी यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0°C मेल्ट टू वाटर एट 0°C, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग पहले देखना पड़ेगा कितनी एनर्जी इसमें यहाँ पे लगी, कितनी एनर्जी यहाँ पे लगी 20 × ये जो कितनी है लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितनी है वो है 80, तो ये एनर्जी लगी है 8 × 16 हो जाएगा 16 joule, इतनी एनर्जी लगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जूल पर डिग्री कैल्विन दिया है, तो इसको इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं
कैलोरी को जूल में, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से और डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे निकालनी क्या है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल एस इक्वल टू होता है डी क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 4.2 अपॉन अपॉन कितना टी, टी कितना 0°C, यानी कि डिग्री सेल्सियस उसको कैलोरी में बदलेंगे तो हो जाएगा 273। तो इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा था, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा उसमें ए, ठीक है 24.5 हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, इसका पोटेंशियल पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये इसमें दे रखा है इज इक्वल टू के एक्स की पावर -3/2, ठीक है, इसमें वी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इज इक्वल टू होता है मास का डीवी बाई डीआर होता है ना, तो यहाँ पे डीवी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। इसमें एक्स के स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन, क्या ऑब्जेक्टिव लेंथ, देखिए जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यही तो जो होता है कि अलाउ करता है रे लाइट को फॉल करने के, स्पेसिफिक तो लाइट पड़ती है ना, तो अगर इनकी फोकल, इनकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ज्यादा लाइट से पड़ेगी, ठीक है। तो हमें एक तो पहले इसका एक तो इमेज क्लियर बनेगी, दूसरा क्या फोकल लेंथ इसकी बढ़ रही थी, तो जो फॉर्मूले इसके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले मैंने जो क्या कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था उसमें बताया था कि फोकल लेंथ एफओ जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीफिकेशन के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, ये होता है आइसोएंट्रोपी, ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोएंट्रोपी। फिर कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, कितने लोगों ने इसमें TIR लगाया, ठीक है, ये भी सही हो सकता है और इसमें ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे रे किसी भी इसमें कोर क्लाइडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर रे पड़ रही है तो अंदर ट्रैप होती है, तभी तो इसमें TIR होता है ना ऐसे, तो पहले तो यहाँ पे इस सरफेस पे तो सबसे पहले सब इसमें रे पड़ती है, तो सबसे पहले तो यहाँ रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ सबसे पहले स्नैच लगता है, उसके बाद TIR की कहानी आती है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें सी होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों ने इसमें क्या कहते हैं बी भी लगाया, लेकिन इसके लिए करेक्ट जो ऑफिशियल आंसर किया है उसका वेट कर लिया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द इंटरनल रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज, द फर्स्ट रेजोनेटिंग पोजीशन इज 4.6 और उसमें जो कह रहे हैं सेकंड जो आ रही है वो आ रही 14। अब इसमें देखिए ये नहीं बताया गया है कि जो क्या कहते हैं ये जो यहाँ पे रेजोनेंस जो भी पाइप का ट्यूब है ये ओपन है कि क्लोज है, तो पहले तो आपको बता दें कि ये आपको देख के यहाँ लग जाएगा कि जो है कि देखिए पहली बार रेजोनेंस हो रहा है 4.6 पे, दोबारा हो रहा है 3 टाइम, यानी कि जब 4.6 को लगभग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पे हो रहा है, यानी कि N1 उसके बाद 3N1, ठीक है। ये कहा ये किस केस में होता है, ये क्लोज आर्गन पाइप के केस में होता है, तो पहली बार तो ये क्लोज आर्गन पाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको उस तरह से करना है तो यहाँ पे वी अपॉन 4L वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। दूसरा कि देखिए दो रेजोनेंस के बीच में, एक ये रेजोनेंस हुआ यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके बीच में जो यहाँ पे वेव बनती है वो ऐसे कुछ होती है ना, यहाँ पे इस तरह से होता है ना, ये तो इनके बीच के पार्ट, इनके बीच की जो वेवलेंस होती है कितनी होती है λ/2, ठीक है, λ/2 होती है, पहले से थोड़ा क्लियर कर देते हैं। दो रेजोनेंस के बीच की जो वेवलेंस होती है वो होती है λ/2, तो यहाँ हो जाएगा λ/2 इज इक्वल टू पहले और 4.6 पे, दूसरा और 14 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 - 4.6 करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा इज गलत समथिंग आ जाएगा 18 point something आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लैम्डा पता लग गया, ठीक है, लैम्डा इसमें हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी इसमें f = 2000 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे v इज गलत क्या होता है f λ, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी 376। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बोला जा रहा है कि फॉर इंसिडेंट एट ब्रूस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेस इज 90 degree, क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसे रे पड़ती है, अगर यहाँ पे तो ये जो ब्रूस्टर एंगल पे पड़ रही है तो क्या होगा कि ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे और ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इन दोनों का जो एंगल बनता है 90 degree बनता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि पीक वोल्टेज इन 240 volt AC, तो अगर 220 होता है तो पीक वोल्टेज 310 होता है, 240 है तो यहाँ पे 240 है तो यहाँ पे हो जाएगा 340, ठीक है। ये जो हम लोग को दिया है, जो हम लोग को गिवन रहता है कि 240 वोल्ट AC, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है ये RMS वैल्यू है, ठीक
ठीक है, ये मैंने ऑल्दो पहले भी एक वीडियो में आपको बता रखा हूँ, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है तो वो आरएमएस वैल्यू मानी जाती है। अगर यहाँ पे करंट भी अगर कोई वैल्यू दी गई होती तो आरएमएस मानी जाती है। अब यहाँ पे हमें आरएमएस वैल्यू जो है एसी दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे पीक निकालनी है, तो पीक वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा पीक, ठीक है, वी आरएमएस इक्वल टू होता है वी नॉट मतलब पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, तो पीक वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इंटू रूट टू, वी नॉट इक्वल टू रूट टू इंटू 240। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 340 के आसपास। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एडर्सन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए एडर्सन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L बाय 2। असल में जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है C, ठीक है, इस C इसको बोलते हैं टॉर्क भी बोलते हैं, कपल पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं। C इज इक्वल टू होता है पाई बाय 4 ईटा आर की पावर 4 अपॉन L। L होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो सिलेंडर होता है ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ये इसको जब रोटेट करते हैं मतलब इसको जब ट्विस्ट करते हैं तो इसके कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लेंथ को क्या कर दिया, लेंथ को L बाय 2 कर दिया, L बाय 2 कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन जो इसमें गिवन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी टाइम ले गया होगा कई लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो रखा गया है, जो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने रख दी है, कितनी यहाँ पे वैल्यू रखी है, इस वाली यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैपेसिटर रखा है वो 3 माइक्रो फैराड रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड होता तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए मिल जाता हम लोग, और यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू रखी है 3, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठा। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगी कि क्या है पता नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, उम्मीद है कि क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई रूडो बुक्स में ये क्वेश्चन मेंशन भी हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो कैपेसिटेंस होती है वो आती है 1 निकल के आ जाती है, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 वोल्ट से, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग को मिल जाता है 100 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ये आने का वेट करना पड़ेगा। जो अगला क्वेश्चन है कहना है कि लाइट फ्रॉम द सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द वेवलेंथ ऑफ 470 नैनोमीटर लिमिट ऑफ क्या अज्यूमिंग दैट द सरफेस ऑफ द सन। ये जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये सिंपली क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन का जो मीन्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग था कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू ये बीन्स कांस्टेंट से हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन द रेशियो ऑफ मास ऑफ पाई आर्म एंड एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग 0.5 मान ली एमईवी में, और जो पाई आर्म होता है उसका 140 होता है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 270 आ जाएगा। कह रहे हैं मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें जो ये बी ऑप्शन है, कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर लॉन्गर वेव, ठीक है, ये गलत है। जो हायर एटॉमिक नंबर से जो वेव निकलेगी, ठीक है, वो जो होगी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होगी वो काफी ज्यादा हाई एनर्जेटिक होगी, और इसमें कह रहा है कि लॉन्गर वेव लेंथ का मतलब होता है कि लोअर एनर्जी, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है तो शॉर्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है के अल्फा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बराबर के अल्फा इज इक्वल टू होता है 12/16 ऑन जेड माइनस 1 का होल। अब जेड जितना ज्यादा ये जो वेवलेंथ होगी उतनी छोटी उतनी स्मॉल होगी, ठीक है, उतनी स्मॉल होगा उतनी हायर एनर्जी होगी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है कि एक लेंस होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और जो दूसरा लेंस होता है यहाँ पे होता है कॉन्केव। असल में ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है इसको दूर करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों लेंस के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो f1 + f2 / 2 होनी चाहिए, या फिर इसके अगर रिप्लेस में ये ऑप्शन होता है f1 - f2 तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ता है, ये क्वेश्चन है कि ट्यूनिंग फॉर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई ट्यूनिंग फॉर्क था, तो उससे रेजोनेंस करा रहे थे सोनोमीटर से, तो जो बीट्स क्रिएट हो रही थी 5, यानी कि क्या पता उसकी फ्रीक्वेंसी 265 हो, 265 या फिर 255 हो, चलो ठीक है 255 या 265 कुछ भी हो सकता, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो सोनोमीटर वायर थे इसको टेंशन यहाँ क्रिएट कर दी गई, टेंशन क्रिएट कर दी गई, तो फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात है अब जो थी पहले उससे थोड़ी बढ़ी जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़नी है यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो इन्होंने बोला है कि बीट भी इंक्रीज हुई है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी 265 से कुछ 266 हो गई होगी, तभी तो ये बीट 7-8 हो गई होंगी, कुछ 7-8-9 कुछ भी हो गई होगी, यानी कि ये जो करेक्ट इसमें जो ऑप्शन है वो 265 ही होगा, 255 पे तो डिक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 265 करेक्ट। अभी 29 वाला क्वेश्चन है जो कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15 एंड रेजिस्टेंस 15 ओम, तो इसमें पूछ रहे हैं कंप्यूट द करंट, असल में यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, तो इसमें करंट पूछ रहे हैं कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें इंपीडेंस निकालना पड़ेगा, इंपीडेंस इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इम्पीडेंस आ जाएगा 49 point समथिंग कुछ है, ठीक है। इसी को डिवाइड कर देंगे जब हम यहाँ पे 220 वोल्ट से जब इसको डिवाइड कर देंगे 220 वोल्ट से, तो लगभग आंसर आ जाएगा 4.44, ठीक है। तो ये हो जाएगी करंट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कंप्यूटर करंट कौन सी करंट, पीक वैल्यू करंट की आईआरएमएस करंट होनी चाहिए। अगर मेंशन नहीं किया गया तो ये जो करंट निकल के आएगी वो होगी आईआरएमएस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वोल्टेज यूज किया है ये वीआरएमएस था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है कि ये वोल्टेज कौन सा है, अगर बोला नहीं है तो ये वीआरएमएस माना जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इनटू पाई, ठीक है। पाई इज इक्वल टू होता है, पाई इज इक्वल टू होता है एक्स बाई ये एक्स जितना चेंज हुआ इनटू अपॉन एल इसकी लेंथ, तो एल को ऊपर कर दिया। तो ये फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी, करेक्ट ऑप्शन है 10^7, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि इफ आर नॉट इज अ रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो इसमें जो है सिंपली जो रेडियस का होता है वो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। जेड का तो यहाँ कोई रोल नहीं, इसके ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, जेड का कोई रोल नहीं। तो इस तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 R0, ठीक है, ऑप्शन 2। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ अ स्ट्रेट वायर इज, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम बोला, अगर पर यूनिट वॉल्यूम ना बोला गया होता तो यहाँ पे वॉल्यूम से अब ये टू थिन लेंस हैव डिस्पर्सिव पावर इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है तो जो सॉल्व करके वो आ रहा है ऑप्शन सी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी आ रहा है। पहले तो बता दे कैसे हो गई, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है क्या है कि W1 upon F1 + W2, यानी कि अगर इसको इक्वल करें तो -W2 upon F2 होता है, यानी कि होता है W1 upon W2 = -F1 upon F2। अब W1 upon W2 अगर हमें यहाँ गिवन है, यानी कि W1 upon W2 गिवन है, W1 upon W2 = 2/3 हो जाएगा -2/3, तो यहाँ F1 and F2 में रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि दीज क्लासेस आर यूज टू मेक एक्रोमेटिक लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया था कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे दिख जा रहा है कि यहाँ पे -1 होगा 1+ होगा, तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और एक यहाँ पे कॉन्केव लेंस, ये कॉम्बिनेशन अगर बना है तो इसमें अगर इनको यहाँ पे इनकी ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे इनकी वो फोकल लेंस, यानी कि यहाँ पे ये करना पड़ेगा 1 upon F = 1 upon F1 + 1 upon F2, ठीक है। F1 and F2 रिलेशन पता है तो यहाँ से हम पुट करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, 1 upon F = 1 upon है, 1 upon कितना दिया है यहाँ पे 20। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 microfarad, 8 microfarad है, अगर इसमें डायलैक्ट्रिक ये कांस्टेंट का कोई मटेरियल 6 जिसका है वो इंसर्ट कर दिया गया है तो ये सिंपली 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 48 हो जाएगा। ये टेंपरेचर ऑफ इन्वर्जन पूछ रहा है तो इसमें होता है 2A/RB, उसके कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 11, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जे इज 4λ है, तो जे क्या है। अच्छा, कोई इसमें तो लग रहा है कि कोई भी क्या कहते हैं के अल्फा आर होगी जिसकी वेवलेंथ है क्या है लैम्डा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, जे था, जेड था, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है जेड है। दूसरी वह कह रहे हैं कि वेवलेंथ हो गई 4λ, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, वो जेड डैश। तो अभी मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है के अल्फा वेवलेंथ होती है वो डिपेंड किस पे करती है, लैम्डा डिपेंड करती है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 upon Z - 1 का होल स्क्वायर पे ना, मोसेस ऑसिटी इस पे डिपेंड करती है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 6। तो क्या है, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वीपी इज इक्वल टू होती है वो होती है √2 RT/m, ठीक है। और क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड होती है वी एवरेज होती है √8 RT/m, ये होती है, इसे डिवाइड कर लेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ
refractive index is 1.5 is used as a polarizer. जब भी कभी polarizer के ऐसे questions दिए गए हों, उसमें क्या पूछ रहा है कि polarizing angle कितना क्या है और जो बोल रहे हैं 1.5 ये ideal value थी, इसमें maximum polarizing होता है। जो maximum polarizing की जो condition होती है 53 से 56 angle के बीच में ही होता है। तो इसमें जो correct option देख के हो जाएगा simply C। कह रहा है कि when the plate voltage applied to a diode wall is changed from 48 से 50, यानी कि कितना चेंज हुआ है, जो प्लेट वोल्टेज में चेंज आया, डेल वीच का चेंज आया, वो आया है कितना 2 वोल्ट का, तो उसमें से प्लेट करंट चेंज हुई है कितनी 10, तो 2/10 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.5, यानी कि हो जाएगा ये इसको जब मिली, ये अच्छा मिली में है तो ये मिली का हो जाएगा 10^3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, इसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया 200। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया कि विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, इसमें हो जाएगा। फिर बोला कि व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंज फ्रॉम 8 to 2 इन 3×10^-3 सेकंड, तो इसमें कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पता करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होता है, वो होता है E = -LdIdt। ठीक है, इसका यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 mH आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें जो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी V, तो इसमें क्या हो रहा है कि एवरेज एनर्जी जो होती है वो होती है HV/E^(HV/KT-1), और यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, जो करेक्ट फिट बैठ रहा है वो सी ऑप्शन बैठ रहा है, बट तो यहाँ पे सी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स लग रही है। ठीक है, ऑप्शन देखने जा रहा है। फिर ये डाइपोल इज फॉर्मड बाय अ 2 चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो पोजीशन चुननी होती है वो चुननी होती है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पे अगर हम लोग चुनते हैं तो हम करेक्ट ऑप्शन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें टाइम की कमी थी, तो इस क्वेश्चन में अगर इक्विटोरियल को पहले किया होता तो करेक्ट ऑप्शन इसमें लग जाता कि इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इक्विटोरियल के लिए जो आ रही थी वो आ रही थी 4.5 और जो एक्सियल के लिए आ रही थी वो आ रही थी 4.6। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है E = K2P/R³, ये होती है एक्सियल के लिए, इक्विटोरियल के लिए होती है, इक्विटोरियल के लिए होती है KP/R³। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एयर एट अ पॉइंट डेंसिटी, मतलब बी पता करना है और किसके लिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कोई लॉन्ग वायर से 10 सेंटीमीटर पता करनी है, तो B = होता है μ0 π/2π I/R। ठीक है, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा ऑप्शन बी। कह रहे हैं द शेप ऑफ दिस फिगर डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है जोन प्लेट से, जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द थिकनेस ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस का फॉर्मूला होता है λ/4 μe - μ4। ठीक है, जब इसका यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा 11.6 μm। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कूल होने के लिए छोड़ दिया गया, तो इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो जो न्यूटन कूलिंग लॉ था कह रहा था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो जो कूलिंग रेट होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे गिरा, जब तक टेम्परेचर ज्यादा था ठीक है तब तक बहुत फास्ट कूलिंग हुई है, जैसे टेम्परेचर गिर गया आप देखिए कूलिंग रेट काफी स्लो हो गया। ठीक है, अब और टेम्परेचर कम हो गया तो कूलिंग रेट या और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइटली चला जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन इसमें जो कह रहे हैं कि द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस इट इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, पॉइजली थे, इन्होंने द रेट ऑफ फ्लो का डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था द रेट ऑफ फ्लो क्या होता था, π/8 P/R^4 / θ L1 करके कुछ ऐसा बताया था, ये कुछ इन्होंने इस तरह का स्ट्राइक का कुछ फॉर्मूला था ये दिया था, पॉइज़न ने दिया था, बट यहाँ पे विस्कोसिटी टर्म है। ठीक है, अब नॉन विस्कस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब थीटा 0 हो जाएगा तो इसमें जो पॉइज़न तो नहीं होगा। ठीक है, पॉइज़न में कंफ्यूजन थी तो इसमें होना चाहिए था बर्नौली, जो बर्नौली प्रिंसिपल स्टार्ट ही यहाँ से होता फॉर स्ट्रीमलाइन एंड इनकंप्रेसिबल लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड के लिए ये बनौली थोड़ा लगाई गई थी, जिससे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके रेट में चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे बनौली प्रिंसिपल ही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आप आंसर की का वेट करते हैं क्या होगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जो 50 नंबर के क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्लिट जो क्या कहते हैं यहाँ पे थिकनेस या सेपरेशन जो होता है वो होता है लैम्डा डी बाई टी। ठीक है, ये हालांकि मैंने ट्रिक से भी इसका वीडियो बनाया था, इसमें ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करते हैं आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो चैनल पे पढ़ा होगा। तो इसमें लैम्डा डी बाई डी लगाएंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 5.50। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया, कह रहा है कि द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के 1/2 kT कर दिया, पर ये नहीं देखा कि वन मोल के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि एन आइटम के लिए कह रहा है, एन आइटम के लिए कह रहा है, एक आइटम के लिए होता है के टी, एन आइटम के लिए हो जाएगा एन के टी, और एन के टी को बोलते हैं एन के को बोलते हैं आर, तो जाएगा 1/2 R। अब ये पोलैरिमीटर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक्स लग रही थी क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन से बोला गया है कि हम लोग को फाइंड करना है मास ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ये जो इसमें लॉ था, जो पोलैरिमीटर का एक्सपेरिमेंट है जिसमें लॉ बताया गया, जो रोटेशन होता है डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एंड कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है SLC, तो ये S को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इसका यूज करके हम लोग कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे तो हो जाएगी थीटा अपॉन LC। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे थीटा अपॉन LS, स्पेसिफिक रोटेशन है 66 डिग्री, तो ये हो जाएगा 11/66 और ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर यानी कि 10^-1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/120। ठीक है, ये होगी इसकी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमको पता करना है मास, तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 48, तो जब इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है, जो इसमें आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4। ठीक है, 0.4 आ रहा है, यहाँ पे दिया कितना है 4 ग्राम दिया, तो ये होना चाहिए, लेकिन मे भी शायद ऑप्शन गलत हो, या यहाँ पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लाई होता है वो होता है 10। ठीक है, अगर 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो ये जो 4 ग्राम ऑप्शन दिया ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, अगर दिया, अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट श्योर नहीं होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो ये सही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत में आएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इस 2.4, तो इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, पूछा जा रहा है पॉइजन रेशियो होता है सिग्मा। ठीक है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है ये होता है वाई इक्वल टू होता है 2η1+σ, इसका यूज करेंगे और करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। ठीक है, इसमें तो क्या होगा कि पहले हम लोग को यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल्स होता है साइन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इंटरफेस के लिए निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए सबसे कम वैल्यू होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो जो ग्लास टू वाटर है उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल जो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था वो आ रहा था 8/9, ये फ्रैक्शन सबसे कम वैल्यू रखता है, क्योंकि इसके लिए जो आ रहा था वो आर एक, देखिए एक यहाँ पे एक के लिए फ्रैक्शन आएगा 2/3, एक के लिए आएगा 4/3। ठीक है, इसमें ये जो दे रखा है 8/9 ये सबसे कम वैल्यू रखता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ही रखता है, और इसके लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू अगर यहाँ पे रखी जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा सबसे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। द सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व, ठीक है, टोटल एनर्जी जो कंजर्व की बात करी जाए तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है, अगर कोई बॉडी कहीं में फ्रिक्शन भी हो रहा है तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई वो उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने में साउंड में क्रिएट कन्वर्ट हो जाएगी और एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्चार्ज्ड, मतलब एनर्जी तो हमेशा इस यूनिवर्स में कंजर्व है ही है। अगर सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे 90% चांसेस है कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम ही करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इंपेडेंस मैचिंग, इंपेडेंस मैचिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कॉमन करेक्टर मोड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे जो 57 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया शर्ल एक्सपेरिमेंट, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, जो शर्ल एक्सपेरिमेंट होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक है, के के मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये वाला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसमें कुछ मुझे कंफ्यूजन है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो मे बी इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो, बट स्टिल आंसर की का वेट करते हैं। ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है कि आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है,
2 सेंटीमीटर थिक है, इसमें पूछा जा रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि एच पूछा जा रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा थीटा, यहां पे कितना है 10 का टेम्परेचर डिफरेंस है, 10 इनटू एरिया, एरिया प्लस सेक्शन कितना है 5000 दिया है, ठीक है, इनटू थर्मल कंडक्टिविटी के, वो कितनी दी है, वो दी है 0.115 अपॉन लेंथ, ठीक है, इसका यूज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू है 0.25, यहाँ लगा देंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी, ये कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन 10, ये 10 सेकंड है ऑप्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन लीनियर लोड W इज अप्लाइड टू मेटल वायर ऑफ लेंथ L, तो इसमें पूछा रहा है कि डेल वी बाई वी क्या होगा, ठीक है, अगर वी चेंज हो रहा है, ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है ए ए अपॉन ए इनटू एल, अगर इसमें बोर्ड इसमें कोई भी डब्ल्यू वेट लगा है, ठीक है, तो ये तार खींच रहा होगा, इसकी लेंथ चेंज हो रही है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द सेंसिटिविटी ऑफ वीट स्टोन ब्रिज, जो वीट स्टोन ब्रिज होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है कब, अगर P is equal to Q is equal to R to S होगा तो मैक्सिमम होगी, उसके जो सेकंड अगर इसमें पूछा जाए और इसके इसके बाद अगर Q बराबर Q, P बराबर Q and R बराबर X, अगर ये कंडीशन दी गिवन है तब भी जो इसकी क्या कहते हैं सेंसिटिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन इससे ज्यादा मैक्सिमम होती है इस केस में, ठीक है, अगर ये केस गिवन है तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एनर्जी स्टेट इन अ रूबी लेजर, तो इसका होता है ऑप्टिकल, ठीक है, ये तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती थी लोगों को, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल इनमें भी डिफरेंट रेशियो होते हैं रेडियो कार्बन के, लेकिन कब, जब ये डेड हो चुके हैं, जब तक ये लिविंग है तब तक नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें लिविंग दिया गया है, ठीक है, तो लिविंग दिया गया तो ये इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर, ये 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं सेंटर एंड ये क्या कह सर बेस एंड सेंटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है कि जीरो, कि यहां पे भी तो यहां पे भी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि करंट इन एन एसी, करंट इन एन एसी सर्किट इज वॉटलेस, ठीक है, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, तो जो एसी जितने भी ये सर्किट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इसमें जो एक फैक्टर आता है वो होता है कॉस, आता है ना कॉस फाइव, अगर कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ये जो यहाँ पे हमें मिलता है पावर्स गलत होता है, एक्चुअल में जो पावर्स गलत होता है वी आई कॉस ये होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस फाइव जीरो हो जाएगा तो पावर जीरो है, पावर जीरो हो जाएगी तो उसे बोलते हैं वॉटलेस सर्किट, ठीक है, पावर जीरो हो गई यहाँ पे, तो ये तब होता है जब ये कॉस 90 होता है, यानी कि पाई बाई टू इसका करेक्ट होता है। उसके बाद इसमें 67 नंबर पे जो क्वेश्चन है कि 20 माइक्रो एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में 30 सेकंड तक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था, तो ये भी इस तरह से हो जाता है Q upon T is equal to I, ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलता है Q मिलता, जब Q मिल जाता तो N E बराबर Q करते तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। अब ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग था, अगर सॉल्व करने में काफी इसको टाइम लग रहा था, कि ये जो क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास M मूविंग विद वेलोसिटी V, तो ये ऑब्जेक्ट था ये V वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक, अचानक से ब्रेक होता है तो इसके तीन पार्ट बनते हैं और तीनों इक्वल मास है, मतलब ये एम और ये एम, ठीक है, तीनों के मास इक्वल है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम था ये तीन पार्ट में ब्रेक हुआ, तीनों के मास हमने इक्वल कर लिया। अब होता क्या है कि इसमें दो पार्ट तो रुक गए, दो पार्ट यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ पे हुआ क्या है कि 3m इज इक्वल टू कैपिटल M है, दो पार्ट इसके रुक गए हैं और एक पार्ट चल रहा है, इसकी क्या कहते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m, तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, तो एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 2m इनटू v डैश, इसका इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई होगी, है ना, प्लस ये रुक गया 0 इनटू m प्लस 0 इनटू m, ये हो जाएगा, है ना, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो v डैश इज इक्वल टू मिला वो मिला m upon m minus 2m into v, m कितना है 3m के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3m upon 3m minus 2m into v, तो
इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी डैश की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, बी डैश की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 3B, है ना। अब इसकी एनर्जी अगर लिखेंगे, इसकी एनर्जी के इज इक्वल टू एनर्जी इसकी हो जाएगी 1/2m × 3V का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9V², है ना। तो अब यहाँ पे इसको फर्दर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 3m × 3V², ठीक है। तो ये 3m को लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल m, तो ये हो जाएगा 1/2 M 3V², तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 mv². J = σ, ये वेक्टर फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 40.6, और फुल वेव होता है इसका जस्ट डबल, उसकी होती है लगभग 80, ये और इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है ये फुल वेव की होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लेक इज 100%, अगर मैंने बताया था ना, ये मैंने इससे पहले नीट का जो सोल्यूशन दिया था पेपर का उसमें भी मैंने बात डिटेल में समझाई थी कि अगर पोलराइजेशन 100% पर रहा है, मैक्सिमम पोलराइजेशन का जो कंडीशन होती है वो होती है 53 से 56 डिग्री एंगल के बीच में, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देख के ही सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपने देखा है आपको पता है कि जो मैक्सिमम पोलराइजेशन कितने पे होता है तो ये हो जाएगा 53। अब इसमें कह रहे हैं कि ऑल द पीक ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, पीक का मतलब क्या है कि पीक मतलब ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी का मतलब लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टेबल तब होता है जब इवन इवन नंबर होते हैं इसके, ठीक है, जेड और एन यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब इवन इवन होते हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, तो ये हो जाएगा डी। अब ये इनटू इंटरफेरिंग वेव, जो जैसा कि अभी मैंने सोल्यूशन दिया कि हम लोग पहले यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालते हैं और फिर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसमें कह रहे हैं द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे कर्व होता है ऐसे क्या होता है, जिसमें जितने भी होते हैं सबकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है आयरन के लिए लगभग 8.8 समथिंग होती है MeV। इसी को चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें निकालते हैं जूल में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो ये ऑर्डर जो आएगा आ जाएगा 10⁻¹² जूल, ये ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब 1.1 MeV। अगला ऑप्शन जो है कह रहे हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन इज 25%। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है एफिशिएंसी यानी 25% यानी कि 1/4 आ रही है एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - T2/T1, ठीक है। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे T2 यहां पे कितना है, T2 यहां पे है T2 तो यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है, T2 यहां पे पूछा जा रहा है, T1 यहां पे 327 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 127। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर इज लेवल्ड 1500 वाट 220 वोल्ट, इसका यूज करके हम लोग तुरंत यहाँ पे निकाल लेंगे इसका रेजिस्टेंस करके क्या हो जाएगा, होता है पावर सेल होता है 20² / R, है ना। इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, जैसे ही रेजिस्टेंस पता लग जाएगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ से 200, अब एक यहाँ पे 220 वोल्टेज का सोर्स लगा के 220 वोल्टेज का यहाँ पे सोर्स लगाया गया है, और रेजिस्टेंस कितना है ये अभी निकाल लिया है, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लेंगे, तो जो करंट आएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 6.8, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब ये कह रहे हैं किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल टू, जो किरचॉफ लॉ होता है वो एसी और डीसी दोनों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई सॉलिड स्फीयर जब गिराया जाता है, ठीक है, किसी विस्कस लिक्विड में, तो थोड़ी देर बाद वो एक स्टेडी स्पीड जो अचीव कर लेता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V = 2/9R² ρ - σ/ηHg करके होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ रिड्यूस टू वीन्स लॉ, ठीक है, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था उसमें जैसे ही लैम्डा मिनिमम होता है लोअर होता है, ठीक है, तैसे ही वो जो लॉ था वो तुरंत जो है उसमें चेंज हो जाता है वीन्स लॉ में। वीन्स लॉ मतलब लैम्डा इंटू टी का टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन।
अब ये जो क्वेश्चन इसमें दिया है 81 नंबर पे कैपेसिटर तीन इस तरह से लगा रखे थे, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या फिर इस क्वेश्चन में ये जो कैपेसिटर है देखिए ये यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे वी वोल्टेज तो यहाँ पे वी और यहाँ पे वी, यानी कि ये लाइन शॉर्ट हो गई, हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच में कैपेसिटर लगाना है, तो दो कैपेसिटर हमें दिख रहे हैं, किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपली ऐड होता है, तो 2C से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, अगर एक्सेप्शन ये गलत है, अगर ये सही मान के चले हैं तो ये इसमें क्वेश्चन ये क्या कहते हैं सही है, इसमें ऑप्शन भी इसमें गिवन है 2C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, बट अगर इसमें कुछ विवाद होता है तो मे बी क्वेश्चन गलत दिया जा सकता है। अभी जो 82 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो ये 99% मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बोला गया है कि हाउ मच हीट इस रिजेक्टेड, मतलब कितनी हीट इसमें सिंक में दे दी गई, तो इससे पूछा जा रहा है Q2 पूछा जा रहा है कितना होगा, इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे सिंपली ईटा इज टू 1 माइनस T2/T1 यूज करके, तो इफिशियंसी जो आ रही है वो आ रही है 1/4, ठीक है, ये दोनों हमें टी ये हमें यहाँ पे गिवन है T1 और ये T2 दोनों गिवन है, इसका यूज करेंगे इफिशियंसी मिल जाएगी, इफिशियंसी इज टू होता है W मतलब बर्टन अपॉन हीट कितनी ली सोर्स से Q1, इसका यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा W इज टू क्या हो जाएगा W, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इट एब्जॉर्ब 80 कैलोरी, 80 कैलोरी एब्जॉर्ब का मतलब 80 कैलोरी यूज हो गई, यानी कि 80 कैलोरी गिवन है, तो ये W इज टू हो जाएगा 80 कैलोरी ना, तो यहाँ पे Q1 इज टू हो जाएगा 80 × 4, Q1 इज टू हो गया 320, ये तो हमें Q1 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया कितनी हीट निकाली गई सोर्स, उसमें से 80 कैलोरी यूज हुई और बची हुई जो हीट थी वो सिंक में वापस कर दी गई, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 80, ये होता है बर्टन, Q1 माइनस Q2 होता है बर्टन, तो ये है 80, Q1 यहाँ पे कितना है 320, Q2 यहाँ पे कितना है पता नहीं 80, अगर यहाँ से Q2 हम लोग निकालते भी हैं तो Q2 इज इक्वल टू हो जाता है 320 माइनस 80 जब करेंगे तो लगभग 240 आ जाएगा, ठीक, अब 240 कैलोरी हीट जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन 240 में यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, अ कार मूविंग 30 मीटर पर सेकंड, एक कार है, ठीक है, ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो कार में सायरन बजता है, हॉर्न बजता है, ठीक है, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बजता है, स्पीड दे दी गई है 340 मीटर पर सेकंड साउंड की, तो बोल रहे हैं कि व्हाट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल एज हियर्ड बाय द कार ड्राइवर, इसमें रिलेटिव मोशन होता है, देखिए पहले यहाँ पे इसका बता देते हैं कि कभी भी डॉपलर इफेक्ट के जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जो फॉर्मूला जनरल फॉर्म होता है उसको कैसे लिखना है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होता है इस तरह से लिखना है, apparent frequency n dash is equal to n naught velocity of sound minus velocity of listener, ये condition कब है, जब source ऐसे जा रहा है, मतलब source जो ऐसे भी जा रहा है और listener भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये listener और source दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तब ये condition लगती है, और sound भी इधर जा रहा है, ठीक है, तब ये लगेगी condition velocity of sound माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये लगेगा। अब देखिए वो कह रहा है कि कार चल रही है, ठीक है, जो सोर्स है देखा जाएगा लिस्टर के रिस्टर्ट में, तो एक टाइम ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई, अब ये फ्रीक्वेंसी तो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा ही रही है, ठीक है, ये जो वेव है ये तो जा ही रही है, और ये जो यहाँ पे लिस्टनर है ये भी इसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये कुछ कंप्रेस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ बढ़नी है, फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी यहाँ पे, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है तब बढ़ेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ईटा डैश इज टू एन नॉट वी प्लस वीएल अपॉन वी, तो यहाँ पे जो वीएल है ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, जो कार ड्राइवर है वही सुन रहा है, वो कार स्पीड चल रही 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका जब यूज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 544। अगला क्वेश्चन है कि हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई, यानी कि ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो क्या होता है कि जो कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जब इसमें रे आती है, जिसमें एक प्लेन पोलराइज रे आती है, तो वो फिर स्प्लिट होती है, एक होती है ई रे, एक होती है ओ रे, ठीक है, ओ रे ये ब्लॉक कर दी जाती है या फिर ई रे ब्लॉक कर दी जाती है, और जो
ये क्या कहते हैं, ओरे या ये जो ब्लॉक हो गई और जो बची वो फर्दर आगे जाती है। तो दोनों में जो फेस डिफरेंस होता है, जो एंगल बनता है यहाँ पे, वो होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा पाई बाई टू। ये क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक सबसेप्टिविटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल की माइनस वन होती है, ठीक है, एक तो स्मॉल एक तो निगेटिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जितने स्लो रेट से जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, प्रेशर और जो वॉल्यूम में चेंज होता है, ये रिवर्सिबल में आ सकता आता है, ठीक है। बट अगर इनफाइनाइटली स्लो रेट हो रहा है तो ये आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट ये जो इसमें फोर्स प्लग है ये भी रिवर्सिबल होता है, लेकिन आइडियली रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइटली वर्ड ना यूज हुआ होता तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड यूज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इनफाइनाइटली स्लो रेट से जो प्रेशर में चेंज करते हैं, मतलब बहुत स्लो, बहुत स्लो, इनफाइनाइट टाइम तक होता ही रहेगा ये, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, ये बात करते हैं जो 87 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि 0.031 वोल्ट सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है एक सेकंड में किसी कैपिलरी ट्यूब से, ठीक है, एक मिलीमीटर इसकी रेडियस। उसके वजह से उसमें पता करना है कि जो कैपिलरी से जो लिक्विड निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो जो रेट ऑफ फ्लो होता है A1V1 बराबर A2V2 बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल टू AB। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा R, यानी कि रेट अपॉन A, रेट अपॉन A। रेट कितना दिया है, V इक्वल टू रेट कितना है, यहाँ पे रेट है 0.0314 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। एरिया है, एरिया यहाँ पे जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है। 10 की पावर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है, वेलोसिटी ये हो जाएगी इसकी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 88 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दो वेव दी हैं और हमें बताना है इनमें जो सुपर पोजिशन हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टिंग वेव्स का। तो A1 A2 तो सामने दिख रहा है क्लियर, लेकिन हमें फेस नहीं पता, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है A√A1² + A2² + -2A1A2cos φ। ये होता है cos φ, क्या cos φ इनका इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस पता लग जाए क्या आंसर इसमें हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है k वैल्यू दे रखी है कितनी 2π, ठीक है। और फेस इज इक्वल टू होता है, फेस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है k × x। तो 2π को 1.5 यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3π। cos 3π की जो वैल्यू निकालेंगे, जो cos 3π है, cos 3π की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये टर्म पूरा हो जाएगा माइनस, तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो बन जाएगा A1 - A2² है ना, ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 - A2² ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला यानी कि 9 - 7 यानी कि 2 2² 4 और वापस से ये हट जाएगा तो क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा ऑप्शन इसमें सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 2। अगला इसमें जो पूछा जा रहा है कि स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वाट पावर एट 500, मतलब इसमें जो पावर यहाँ पे रेडिएट हो रही है, जो पी इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेंपरेचर पावर को। अब इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 450 अपॉन पी इक्वल टू टेंपरेचर कितना है 500, उसके बाद कितना हो गया 1000 है ना, इस काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 ये जगह नीचे 1/16, ठीक है, 1/16 तो पी इक्वल टू हो जाएगा 450 × 16। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें पावर मिल जाएगी कितनी, पावर मिल जाएगी 7200, ठीक है, इतनी मिल गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर उसका क्या कहते हैं रेडियस को, रेडियस पर हाफ, रेडियस को अगर आधी कर दी जाती है, ठीक है, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी
तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेडियस आधे करने का मतलब होता है जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया पे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे आधी हो जा रही है, मतलब जो यहाँ पे रेडियस की आर बाई फोर हो जा रही है ना, आर बाई टू करेंगे तो हो जाएगा आर बाई फोर। तो इसको जब यहाँ पे ये रखेंगे तो इसको फोर से जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1800। इसको सॉल्व करके देखना 1800 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन डी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, पता नहीं कह रहा है इसका, इसके लिए आंसर की का वेट करना पड़ेगा। 91 पे कह रहे हैं कि अ वाटर ड्रॉप ऑफ 10^-2 मीटर इज ब्रोकन इनटू 100 इक्वल ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन, द गेन ऑफ सरफेस एनर्जी। 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, एक कोई वाटर ड्रॉप होगी उससे ब्रोक हो गई है, 1000 इक्वल ड्रॉप बनी है। इक्वल ड्रॉप जब बनी है तो उसमें क्या होगा कि उनकी ज्यादा सरफेस बन गए हैं, इतना बड़ा कोई सरफेस था उससे इतनी सारी ड्रॉपलेट जब बनी है तो सरफेस कुछ ज्यादा बन गया, यानी कि सरफेस एनर्जी बढ़ गई। ये सरफेस एनर्जी इसी लिक्विड ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करी जिससे इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी जब कुछ खत्म होगी तो ये ड्रॉपलेट ठंडी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो लॉस, यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होगा से क्या होगा कि ये ठंडी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो गेन एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखें वॉल्यूम तो कंजर्व है, तो ये हो जाएगा 4/3 πr³। टोटल कितनी ड्रॉपलेट है 1000, इसको इक्वल कर देंगे जो बड़ी ड्रॉप थी सबसे पहले 4/3 πr³ से। तो हमें यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा जो इसमें रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा r इज इक्वल टू हो जाएगा r, और यहाँ पे हो जाएगा 10^10 हो जाएगा, ठीक है, r = 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज करेंगे और यहाँ पे सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है w = होता है T into del A। अच्छा एरिया बढ़ गया है ना, क्या करेंगे, सरफेस टेंशन गिवेन है तो क्या है, पहले केस में देखिए जब एरिया बढ़ के जब 1000 ड्रॉपलेट बन गए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, t × 1000 × 4π r² - t × 4π R² इसका यूज करेंगे। अब r और r में पता रिलेशन क्या है, t के वैल्यू, तो जब इसको पुट करेंगे तो जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8.5 × 10^-4 J। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो पीडीटी में क्वेश्चन पेपर आया है इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ ज्यादा ही पूछे गए हैं। 92 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है फेरोमैग्नेटिक इसमें हो जाएगा, ठीक है, जो कि टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। डायमैग्नेटिक जो होता है टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और जब ये टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूछा गया है कि LCR में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ω² होता है 1/√LC कंडीशन होती है, ठीक है, 1/√LC जब XL = XC होता है तब इससे निकलता है। यहाँ पर 1/ωC कर देते हैं, यहाँ ω L कर देते हैं तो ये कंडीशन मिलती है, ω = 2πf, तो f = 1/2πLC। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस RP म्यूचुअल कंडक्टेंस GM, अच्छा RP GM एंड ये क्या कह रहा है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये ट्रायोड का टॉपिक है, ट्रायोड का टॉपिक है जो कि पहले यूपी बोर्ड सिलेबस में आता भी था, अब हट गया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रिलेशन होता है μ = होता है RP × GM, GM को बोलते हैं ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांसकंडक्टेंस। अब इसमें जो 95 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहे हैं कि द मीन सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट ऑफ मून, जैसे मून पे कोई दो पॉइंट है ये पॉइंट, इनके बीच का मीन सेपरेशन डेलेक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये पता करना है। टेलीस्कोप पे अगर देखा था, कोई ऑब्जर्वर को देखता है टेलीस्कोप से जिसका अपर्चर ए, मतलब अपर्चर जो उसका है ए 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर, ठीक है, ये है। तो ये मीन सेपरेशन इसका निकालना है तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे थीटा, ठीक है, यहाँ पे जॉलिंग पावर निकालनी पड़ेगी। जॉलिंग पावर जो होती है वो होती है θ = होता है 1.22 λ/a। लैम्डा कितना है, 1.22 लैम्डा है यहाँ पे 55,500 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो हो जाएगा 10^-10 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा लगभग 1.34 × 10^-7 रेडियन, ठीक है, ये मिल गया, ये हम लोग को मिल गया। जैसे कोई ऑब्जर्वर से देख रहा है तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल अगर मिल गया ना, ये एंगल जो था ये एंगल मिल गया।
थीटा मिल गया, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 4 × 10⁻⁵, ये डिस्टेंस है, ये गिवन है 4 × 10⁵, ये गिवन है, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे वही लगा देंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो ये आर्क मतलब डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल, यानी कि रेडियस कितनी है, ये 4 × 10⁵ इंटू ये क्या कहते हैं जो हमने एंगल निकाला, ये कितना 1.34 × 10⁻⁷, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53 लगभग, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 96 नंबर पे, तो इसमें बोला गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन की थी उनको 1.20 पोटेंशियल लगा के रोक दिया गया, तो इसमें वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब उस पर जो लाइट पड़ी थी वो पड़ी थी 2000 एंगस्ट्रॉम की, तो टोटल एनर्जी जो फॉल हुई फोटो इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट से है, अगर उस तरह से अगर करते हैं तो बता रहे हैं टोटल एनर्जी जो फॉल हुई मेटल वो कितनी थी, वो थी 1, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाई 2000 एंगस्ट्रॉम, इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉल हुई, इस एनर्जी का यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और उसके बाद कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल गई, और वो एनर्जी खत्म कर दी गई इस पोटेंशियल से, यानी कि इतने वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगाई गई तो वही ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये खत्म हो गई, ठीक है, ईवी में ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.18 समथिंग कुछ हो जाएगा, इक्वल टू 5 + 1.20, और जब 5 में ये निकालना होगा तो ये 1.20 इसमें से जब माइनस करेंगे 6.18 में से, तो हम लोग को जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस, तो काइनेटिक एनर्जी जो परफेक्ट गैस के लिए जो एनर्जी होती है वो जो प्रेशर होता है परफेक्ट गैस के लिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 mv², ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 k बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p। तो यहाँ से अगर हम लोग k इक्वल टू निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें ये जो 1, 2, 3, 7, 5 / 2000 ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, किसी भी वेवलेंथ पे कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी फॉरनहाइट एंड केल्विन थर्मामीटर स्केल गिव्स इक्विलिब्रियम, पहले बता दें जो टेंपरेचर स्केल उसमें केल्विन, ठीक है, टीके एंड टी डिग्री सेल्सियस ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स पे, मान लेते हैं एक्स पे जो केल्विन है और जो फॉरनहाइट स्केल है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, C/5 फॉर्मूला होता है C/5 f − 32/9, ये होता है ना, C मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन, तो यहाँ पे दोनों केल्विन और फॉरनहाइट दोनों सेम है x, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x/5 = x − 32/9, ठीक है। इसको इधर उधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 4x = सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2297, डिवाइड करेंगे इसको 4 से तो ये मिल जाएगा लगभग 574 के आसपास, है ना, 574 समथिंग कुछ मिलेगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ये जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पहले थी gm/r थी, फिर वो 2r हाइट पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी gm/2r, ठीक। ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से r को यहां हो जाएगा r², यहां r कर देंगे यहां हो जाएगा r², ठीक। तो gm/r क्या होता है, gm/r² होता है, यहां पे एक फैक्टर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये gm/r² इसको बोलते हैं स्मॉल g, तो ये हो जाएगा mgr - mgr / mgr/2, यहां पे हो जाएगा 1/2 mgr, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें। उससे कह रहा है फंक्शन ऑफ डिटेक्टर इज टू डिमोडुलेट, ये तो उन्होंने पहले बताया कि जो डिटेक्टर होता है उसका फंक्शन होता है डिमोडुलेट करना। अब कह रहा है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव एंड इसमें कह रहा है कि द स्टेप फॉर द प्रोसेस आर, मतलब ये क्या हुआ है कि डिटेक्टर कोई था, वो क्या करता है कि डिमोडुलेट करता है, जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है मतलब
जो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो वेव होती है जिसको मॉड्यूलेट करके जो आगे भेजते हैं, तो जहां पर रिसीवर होता है जो वेव वहां पे आती है, ठीक है, जो वेव आती है वो डिटेक्टर को डिटेक्ट करता है, उसको डीमॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। डीमॉड्यूलेट करने पर उसमें कुछ जो नॉइज होती है और जिस जिस कैरियर वेव में उसको क्या कहते हैं मॉड्यूलेट किया गया था उसमें से कुछ पार्ट उसके रहते हैं, तो उसको फिल्टर करता है, ठीक है। पहले वो डीमॉड्यूलेट करेगा, उसको फिल्टर करेगा, ठीक है, तब वो आगे प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन एंड फिल्टरिंग। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होना चाहिए, श्योर नहीं है बट इसमें ए होना चाहिए। 101 नंबर पे जो है इसमें श्योरिटी नहीं है, ये 70% सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें कह रहे हैं कि मॉडरेटर की तरह कैसे यूज करते हैं, तो हैवी वाटर, हैवी वाटर इसमें मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं, या फिर ग्रेफाइट भी यूज करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, ये हो जाएगा स्टीफंस लॉ। न्यूटन्स लॉ से ही मतलब स्टीफंस लॉ डिराइव हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है 103 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि दो चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है। एक दूसरे पर रखे गए हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रिपेल कर रहे हैं, Q1 इसको इधर रिपेल कर रहा है, Q2 इसको इधर रिपेल कर रहा है। अब अगर इसमें तीसरा चार्ज इसके बीच में बाई चांस अगर आता है, देखिए बीच में अगर आता है तो क्या होगा, इसको क्यू चार्ज इसको और ज्यादा ताकत से इधर रिपेल करेगा, ये इसको और ज्यादा ताकत से इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स इन पे रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन बोला है कि जो थर्ड चार्ज है वो ब्रॉट नियर टू इट लाया गया, इनके Q3 के नियर लाया गया होगा, तो मतलब या तो इस साइड आया होगा या इस साइड आया होगा, तो किसी साइड भी आ जाएगा, बाई चांस इस साइड आया है तो क्या करेगा, ये जो चार्ज है क्यू, ये Q2 को इधर रिपेल करेगा, ठीक, और ये इस वाले को इधर रिपेल करेगा, तो इनपे जो क्या था इधर की जो रिपल्सन फोर्स जो था सिस्टम पे यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें होना चाहिए ये ऑप्शन बी। अब ये जो क्वेश्चन में बोला गया कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज, इसमें सैटेलाइट की स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, तो होता है कौन सा GM/GM, ऑर्बिटल स्पीड का कौन सा GM/R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे तो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 7.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁰ और ये हो जाएगा 6 × 10⁻¹⁴, कितना दे रखा है 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा लगभग 7.60 किलोमीटर, ठीक है। ये उसके बाद कह रहे हैं द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन पावर सप्लाई, ठीक है। जो एल सेक्शन फिल्टर होता है ये भी क्या करता है डीसी, ये भी क्या होता है एसी को रिपेल करता है, कैपेसिटर लगा दिया जाता है थोड़ा और अच्छा बन जाता है, ठीक है। फिर उसमें पाई सेक्शन बना देता है, एक ऊपर ऐसे कैपेसिटर लगा देते हैं नीचे, तो पूरा पाई सेक्शन देखने में पाई सेक्शन आता है, ठीक है। ये थोड़ा एक और मॉडिफाइड रूप होता है फिल्टर का, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है पाई सेक्शन फिल्टर, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा पाई सेक्शन फिल्टर। अब इसमें कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ वायर दैट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, किसी भी तार का एरिया कितना है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का उस पर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट ये हटता है यहाँ से, एफ इज इक्वल टू आता है बी ए, बी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ब्रेकिंग स्ट्रेस 7.2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ये इसमें बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ वायर दैट कैन बी स्ट्रेच, मतलब लेंथ पूछी जा रही है, तो एफ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ को लिख देते हैं एम जी, ठीक है, और एफ हो जाएगा एम जी, एम को लिख देंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम को लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू पी ए, ठीक। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं ए लेंथ ऑफ वायर, जिस ये वही लेंथ ऑफ वायर है जो हमें मैक्सिमम निकालनी है किस पे टूट सकता है, ठीक है। तो ए इंटू एल इंटू डी इंटू जी इज इक्वल टू पी ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हम लोग को जो लेंथ का फॉर्मूला मिलता है वो मिला पी बाई डी जी, ठीक है। पी बाई डी जी का यूज करेंगे, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस 7.2 है, डी मतलब डेंसिटी ऑफ वायर, यहाँ जी 10 रख देंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 9.4 किलोमीटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि 25% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली 32 है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसमें तो इसके लिए आंसर की का वेट करना पड़ेगा। अब इसमें बोला गया टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ +15 एंड -12 सेंटीमीटर, ये आप इसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे तो नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, नेट फोकल लेंथ में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1/f = 1/f1 + 1/f2 कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एफ वन इंटू एफ टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ वन माइनस एफ टू करेंगे तो आ जाएगा ये पहले ये हो जाएगा 15 इंटू 12 और ये हो जाएगा माइनस में है ठीक है, और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 12 ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइनस 16 ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अब इसमें बोला जा रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू होती है, ये बहुत आइडियल वैल्यू होती है आई नॉट बाई टू, ठीक है, अगर ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता तो इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ जाती 0। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया 4 इक्वल पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रो कूलम्ब आर प्लेस एट 4 कॉर्नर, ठीक है, चारों कॉर्नर पे सेम चार्ज रखे गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। अब यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी समय ले जाएगा करने में, क्या होगा कि हमें ये फोर्स निकालना होगा, ये वाला जो चार्ज है ये इस पे ऐसे फोर्स आएगा, ये वाला चार्ज इस पे ऐसे फोर्स आएगा, ये वाला जो चार्ज है डायगोनली ऐसे फोर्स आएगा, तो हमें पहले ये वाला फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है, जो फोर्स है डायगोनली आउटवर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन इन दोनों से कोई एक हो सकता है। जब इन दोनों को अब ये दोनों फोर्स निकाल के सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.81 के आसपास आएगी, ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे जो एक फोर्स आया 0.81 और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स अगर कुछ और ऐड हो जाएगा समथिंग, इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, इसको अगर शॉर्ट में ऐसे हम लोग जल्दी से करते हैं तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ना इसमें ऑप्शन सी हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ए हो सकता है, ये दोनों तो गलत है और 7.2 से तो ज्यादा प्योर फोर्स इन दोनों को ही आ गया, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो जो 111 है इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसमें हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की होता होता क्या है, डिपेंड करती है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ठीक है, इसका जब यूज करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो भी केल्विन में लगभग केल्विन में हम लोग को मिलेगा, हम लोग कैलोरी में मिलेगा जो टेम्परेचर का फॉर्मूला मिलेगा, जो टेम्परेचर मिलेगा लगभग 1000 समथिंग कुछ मिलेगा, इसमें से ये कैलोरी में मिला है तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो हमें आंसर टी डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वो मिलेगा 819 डिग्री सेल्सियस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ये जो 113 नंबर का क्वेश्चन है ना इसका सोल्यूशन मुझे मिल पाया ना ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो पाया, ठीक है, और ये 114 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वीक सिग्नल विदाउट अल्टरिंग इट्स शेप इनटू अ स्ट्रांग वन इज नोन एज, ठीक है, स्ट्रांग वन बनना मतलब पहले अगर ये होगा तो बाद में ये कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह से हो गया होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा। इसमें क्या होता है एम्पलीफिकेशन कहता है जो वेव होती है जो हमारा वेव फॉर्म होता है उसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाता है मतलब वो एम्पलीफाई हो जाती है लेकिन उसका शेप साइड वही रहता है, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द वैल्यू ऑफ ग्रेड वन अपॉन आर इज, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेंट थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ अ क्लोज क्यूब ऑफ एज लेंथ एल, ठीक है, अगर बोले कि चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर मतलब क्यूब है इसके सेंटर पे चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें 6 फेसेस होती हैं, इस पूरे क्यूब से जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो होगा प्राइस बिल्कुल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक एक चीज पूरे 6 फ्लक्स से माना जाएगा, 6 फेसेस से इतना टोटल फ्लक्स होगा, अगर एक एक से पूछा जाएगा तो एक फेस से पूछा जाएगा तो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम, तो इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं, वर्क फंक्शन दे रहा है 1, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.12 मेगावाट। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है के टोटल एनर्जी जितनी से पड़ी थी वो कितनी पड़ी, वो 1, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाई जो वेवलेंथ यूज करी गई सर वो कितनी 1200, इसमें से माइनस कर देंगे वर्क फंक्शन पर जितनी एनर्जी से बाहर आने में लगे 4.12 बाहर आने में लगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू 10.3 समथिंग माइनस 4.12, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा इसका
6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। 118 नंबर में बोला है कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट करती है, तो कार्नोट जो आइडियल कार्नोट साइकिल होती है फॉर आइडियल गैस के लिए होती है, उसका जो एसटी ग्राफ बनाते हैं तो एक हमें वहां पे रेक्टेंगुलर ये मिलता है, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एन एयर कूल्स सोलेनाइड विद 2000 लूप्स इन इट, जो इसकी लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म पर यूनिट लेंथ इसमें निकाले थे कि फॉर्मूला जो होता है इसमें बोला जा रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, मतलब B इज इक्वल टू B निकालना है, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट Ni, n होता है नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो n इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इन मीटर, तो ये 60 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3333.3, ठीक है, ये हो जाएगा 3333.3, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बीस गल्टू निकालना है तो बीस गल्टू म्यू नॉट यानी कि 4π × 10⁻⁷, उसके बाद ये डन, उसके बाद यहाँ पे आई कितना है 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.02 टेस्ला, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इसमें क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, इसको अगर करते हैं ये सॉलिड सिलेंडर यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस जगह पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट h है, ठीक है, हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पे होगी mgh, ठीक है। अब ये जब नीचे आ गया होगा तो इसकी यही काइनेटिक एनर्जी बन गई होगी जो कि होगी 1/2 mv² प्लस, अब ये रोटेशनल मोशन भी करेगा तो 1/2 iω² i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mr² / 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये कट जाएगा इस तरह से, जब इसको हम लोग और यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा तो एच हम लोग यहाँ पे निकालना क्या वी निकालना है इन द फॉर्म ऑफ एच, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा वो हो जाएगा 4/3 a, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 4/3 ये ऑप्शन है 4/3 gh, इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है बोला है कि निकोल प्रिंस आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेट थ्रू 30 डिग्री, ठीक है, दो निकोल प्रिंस ने क्रॉस करे, ठीक है, उसमें एक रोटेट किया गया है तो यहाँ पे जो पोलैरिमीटर में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे वो एंगल यहाँ पे नोट किया जाएगा 90 - 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो अब जो मेलस लॉ है इसमें आई इज क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा में 60 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो लाइट है ऑल दो पोलराइज हो चुकी है, पहले ही पोलराइज हो चुकी है ना, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है आई नॉट इंटेंसिटी से बड़ी थी पोलराइज होने के बाद आई नॉट बाई 2 बची, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये जो आफ्टर जो निकोल प्रिंस से जो लाइट होगी तो वो कितनी इसमें पड़ रही होगी, वो पड़ रही होगी इसमें आई डैश, तो हमें ये आई डैश का ये हो जाएगा आई डैश, ठीक है। लेकिन इससे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम कितने परसेंट में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो cos square 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2, √3/2 मतलब 3/4, अब 3/4 को ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I नॉट 3/8, इस तरह हो जाएगा इज इक्वल टू आई डैश, ठीक है, ये इंटेंसिटी जो पहुंच रही है और ये आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी थी, उसी के रेस्ट में परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा आई डैश बाय आई नॉट इज इक्वल टू 3/8, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, तो ये जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आंसर मिलेगा 12.5। अब इसमें जो ये अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेंपरेचर T इज 2.2 × 10⁻⁷ दे रखा है, ठीक है, जो मीन फ्री पाथ लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किससे, वो होता है आप देखो फॉर्मूला मतलब 1/n, n क्या होता है, n होता है यहाँ पे PV/KT, ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा P यानी कि P नीचे है अपॉन T यानी कि T ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा T अपॉन P है, ठीक है, ये होता है। अब इसमें बोला है कि टेम्परेचर क्या है 2T हो जाएगा, P हो जाएगा P/2, तो जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी इसकी तो इसको हम ले लेते हैं λ1/λ2 = λ, ये हो जाएगा T/P, उसके बाद फिर λ2 के लिए क्या प्रेशर हो गया है, प्रेशर हो गया है, लेकिन λ2 के लिए टेम्परेचर पहले देखते हैं, ठीक है,
प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर हो गया है पी बाई टू, यानी कि ये अपॉन फिर से टू आ जाएगा, ये हो जाएगा पी, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर मिला वन बाई फोर। लैम्डा वन कितना है, टू इंटू टेन की पावर सेवन, तो वन बाई फोर से टू हो जाएगा टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन अपॉन लैम्डा टू, तो लैम्डा टू की वैल्यू आपको क्लियर दिख रही होगी, हो जाएगा एट इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, करेक्ट आंसर एट इंटू टेन की पावर माइनस सेवन। अभी कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर इज, तो इसमें हो जाएगा बी ए, अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज लेस, ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ एटम कम होता है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होते हैं, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी। 124 में बोला जा रहा है कि द एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टूगेदर टू फॉर्म एटॉमिक न्यूक्लियर। कई लोगों ने इसमें ग्लुऑन्स कर दिया, लेकिन ग्लुऑन्स गलत आए, ग्लुऑन्स क्वार्क के बीच में, जो क्वार्क होते हैं यू डी टी क्वार्क्स होते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के, इनके बीच में जो होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ग्लुऑन्स, बट जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में वो होते हैं मेसॉन्स। युगाओ ने जो मेसॉन्स छोड़ दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होते हैं फाइव मेसॉन्स, जो होते हैं इंटरमीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन दोनों को होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेसॉन। अब इसमें 125 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है वो है कि गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, ठीक है, इसको यहाँ पे पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 80 ओम और उसमें 20 मिली वोल्ट का डिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये निकाले थे पहले, तो करंट उसमें फ्लो हो रही होगी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब मिली वोल्ट, तो ये इसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जो करंट मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/4 मिली एम्पियर, ठीक है, ये तो करंट हमको मिल गया। अब गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे संट लगा, यहाँ पे क्या इसमें सीरीज में लगाया गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है, जिस वजह से इसमें करंट करंट ना जा पाए, ठीक है, करंट नहीं जा पाए तो ये एग्जैक्ट पोटेंशियल मेजर कर देगा, लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया सीरीज में, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जब लगाया गया तो बोला गया है कि हाउ लार्ज सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कितना लार्ज हम यहाँ पे लगा दें, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उतना ही कम करंट इस गैल्वेनोमीटर से जाएगी और उतना ही अच्छी रीडिंग ये बना पाएगा, है ना, तो ये कितना लार्ज लगा दें रेजिस्टेंस आप कि ये 5 वोल्ट ना पे दिखा दे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने आर ऐसा लगाया कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन। तो इसके लिए हमको पता है कि इसके अंदर करंट कितनी घुस रही है, करंट इसके अंदर घुस रही है 1/4 है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का कितना है वो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि है 80 और ये प्लस आर, इसका यूज करेंगे तो आर निकालेंगे, आर इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा 1,19,920 करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 19,920, तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। जितने भी आंसर बताएं वे भी कुछ आंसर इसमें गलत हो सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की नहीं है, उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर इन दिस वीडियो, थैंक यू।